हेलो व्यूवर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे मॉम एंड श्रव्या। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है अपनी जिंदगी में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आज की बेंगलोर की जो है सुबह मॉर्निंग जो है हो चुकी है पूजा पाठ के साथ, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है ठंड का मौसम आ चुका है। तो मेरे मॉर्निंग का जो है सारा क्लीनिंग प्रोसेस हो चुका है और कपड़े भी मैंने यहाँ पे धो के सुखा दिए हैं। तो देखो इस तरह से मैंने कंबल उम्बल को धो के सुखाया है और ये जो है मेरी सुबह की पूजा हो रही है। हम जो है रोज सुबह सूर्य जी को जो है जल चढ़ाते हैं, तो वही प्रोसेस सुबह मॉर्निंग में हो रहा है। और ये देखिए मेरे प्यारे से भगवान जी कितने अच्छे और प्यारे लगते हैं दिया में। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी को जो है रोज नहलाया जाता है और रोज उनका ड्रेस चेंज किया जाता है। तो मुझे तो पूजा करना अच्छा लगता है और दिया जलते हुए देखना तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अब मॉर्निंग का काम शुरू कर लिया जाए, मतलब पेट पूजा की तैयारी कर लिया जाए। तो सुबह सुबह जो है मैं चाय चढ़ा देती हूँ गुप्ता जी को। चाय पीना पति जो मेरे हैं उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। तो देखो आप लोगों से बात करते करते जो है मेरा चाय भी यहाँ पे उबलने लगा है। तो चाय हमारा बन चुका है, अब हम इसे छानेंगे और थोड़े से स्नैक के साथ जो है मेरे पति देव को दे दिया जाएगा ताकि उनकी पेट में जो है कुछ रहे। तो यहाँ पे जो है मैं चाय को जो है छान ले रही हूँ, और घर में है मेरे यहाँ टोस्ट मिक्सर, तो ऐसा कुछ उनको दे दूंगी। उसके बाद फिर मैं बनाने जाऊंगी साउथ का फेमस, मतलब इडली सांभर। मैं सच बताऊं तो मुझे साउथ का सांभर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नॉर्थ का सांभर बहुत पसंद है। इसलिए मैं ना खुद सांभर बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इडली चढ़ा दिया है और ये इडली का बैटर मैंने खुद बनाया था। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को लोगों का वेलकम है मेरे ब्लॉग पे मॉम एंड श्रव्या, और नौ वर्ष की आप सभी लोगों को ढेर शुभकामनाएं। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है ढेर सारे कामों के साथ। वैसे मैंने घर की सफाई पहले ही कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इडली चढ़ा दिया है आगे से देख रहे हो। और ये जो है सांभर के लिए मैंने प्रिपेयर कर दिया है सारे वेजिटेबल, प्याज व्याज सब जो है डाल दिया है। बस एक ही बार जो है मुझे कुकर में डालना है और हो गया। तो चलो आप मैं दिखाती हूँ कि मैं सांभर कैसे बना रही हूँ। तो इधर जो है साइड में हमारा इडली जो है पकी गया है, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्पॉन्जी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है पर हाँ स्पॉन्जी तो हुआ है। तो हम बना लेते हैं अब सांभर। तो सांभर के लिए मेरे पास जो भी वेजिटेबल था वो मैंने चॉप कर लिया है और सबको जो है एक कैन में मैंने रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास जो है कद्दू था वो भी मैंने चॉप कर लिया है, गोभी आलू और प्याज टमाटर जिंजर गार्लिक ये सब मैंने चॉप करके रख लिया है। और मैं चढ़ा दे रही हूँ कुकर। कुकर में मैं लूँगी तेल और तेल में लूँगी सरसों। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता डालिए, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और फिर ये सारे वेजिटेबल जो है मैं इस कुकर में डालने वाली हूँ। इसके बाद डाल देने के बाद आप जो है अच्छे से वेजिटेबल को चला दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है सारे वेजिटेबल को चला के, और दाल एक साइड मैंने भिगो के रख लिया है। यहाँ पे मैंने रहर डाल लिया है एक कटोरा, इसे मैंने भिगो के रख लिया है, धोएंगे और फिर साथ में वेजिटेबल में ही मैंने डाल लिया ताकि सब जो है साथ साथ पक जाए। ऐसा करने में क्या होता है मॉर्निंग का शेड्यूल जो है जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने मसाला ले लिया है, यहाँ पे धनिया मिर्च पाउडर गरम मसाला सब्जी मसाला, और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल लिया है। तो आप भी अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और हाँ भूलिएगा मत, सांभर का जो टेस्ट है वो इमली से ही आता है। तो मैंने इमली भिगो के रख लिया था और मैं इसमें डाल दूंगी। तो देखो ये हमारा जो है आधा कच्चा जो है सब्जी हो चुका है। अब हम इसमें इमली पानी डाल दिए हैं और थोड़ा पानी डाल दिए हैं अपने मेजर के अनुसार, और कुकर में सीटी लगने के लिए हम इसे छोड़ दे चुके हैं। तो ये चार सीटी में हमारा सांभर पक के तैयार हो जाएगा, और इधर हमारा इडली पक कर जो है तैयार हो चुका है। तो देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, मुझे तो सांभर खाना सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाते रहती हूँ। तो चलो अब हम जो है इसे निकाल लेते हैं, और देखो ये जो है स्पॉन्जी लग रहा है, रियली में ये स्पॉन्जी था आप देखो।
तो यहाँ पे जो है हम जल्दी जल्दी निकालेंगे इडली। मॉर्निंग का टाइम है और भूख तो लगी रहती है। तो देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैसा बना है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा इडली जो है ये कैसा बना है। इसका बैटर जो है ना मैंने खुद ही बनाया था। तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक कटोरा चावल और एक कटोरा जो है दाल ले लेती हूँ, उड़द दाल। वो रात को भिगो के रख के मॉर्निंग पीस के एक दिन के लिए मैं रख लेती हूँ फर्मेंट होने के लिए। उसके बाद मैं इसे बनाती हूँ। तो देखो मेरे जो इडली सांचा था उसमें एक भी इसमें चिपका नहीं था, मतलब ये कि इडली जो है प्रॉपर पक चुका है। तो हमारा इडली हो जा रहा है, उधर कुकर में जो है सांभर हो जाएगा। तब तक हम जो है अपने किचन रूम की सफाई कर लेंगे, क्योंकि अलग से टाइम कौन निकाले यार, बहुत काम रहता है। तो यहाँ मैं साथ साथ काम कर लेती हूँ। और ऐसे काम करते करते क्या धीरे धीरे कुछ ना कुछ किचन रूम में जो है पानी वगैरह गिर ही जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं किसी कपड़े से जो है नीचे जो पानी लगे हुए हैं उसे जो है पोंछ रही हूँ। नल मैं भूल चुकी थी बंद करना, इसे मैंने बंद कर दिया है। और फिर यहाँ पे हमारा जो है सांबर रेडी हो रहा है। तो चलो मैं पास से दिखाती हूँ इडली। तो देखो हमारा ब्रेकफास्ट इडली तैयार है और इधर जो है सांबर भी तैयार हो चुका है। ये देखो ये हमारा कितना सुंदर सा कलर आया है सांबर का। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से ताकि ये जो है खड़े खड़े ना रहे। वैसे तो ये पक गए हैं, बस इन्हें चलाना था। देखो ये फाइनली हमारा सांभर जो है टेस्टी सा तैयार है। और ठंडी के मौसम में मटर मिलता है ना, तो मैं हर चीज़ में मटर डालते रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मटर डालना। तो अब जो है परोसने की बारी है। तो हम जो है एक प्लेट ले आएंगे और इडली और सांबर को जो है हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने सांबर रख लिया है और इडली रख रही हूँ। तो देखो ये मेरा प्लेट जो है इडली सांबर का तैयार है। मॉर्निंग मॉर्निंग और हो इडली सांबर से नाश्ता, तो क्या बात है। और ये नाश्ता मैं जा रही हूँ अपने पति देव को देने। श्रव्या और उसके पापा जो है खेल रहे हैं। श्रव्या अभी सो के उठी है तो मैं उनको दूंगी नाश्ता। तो यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे मेरे पति लोग वर्क करते हैं और श्रव्या भी सो उठ के अपने पापा के पास चली गई। तो दोनों जो है मस्ती कर रहे थे, बहुत खेल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उनको नाश्ता दे दिया है क्योंकि उनको अपना वर्क करना भी था। मॉर्निंग में उनका वर्क रहता है, मीटिंग रहती है, तो वो जो है उन्हीं की जगह पर मैं पहुँचा देती हूँ। अब जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लूँगी क्योंकि मुझे सांभर खाना बहुत पसंद है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा इडली और सांभर कैसा लगा। तो यहाँ पे मेरा सांभर है जो मैं खाने वाली हूँ। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा रहा। और सच बताऊँ तो अगर जैसे इडली बन जाता ना, दिन भर हमारे यहाँ इडली सांभर चलते रहता है। मतलब हमारे घर में सभी को पसंद है खाना। तो ये मेरा जो है नाश्ता तैयार है और फिर मैं श्रव्या को भी खिला दूंगी क्योंकि उसका खाना पीना में बहुत ज़्यादा नाटक होता है। तो चलो दिखाती हूँ इन लोग कैसे खा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कितना गंदा मचाया है अभी मैंने साफ़ नहीं किया है। ये लोग जब उठ जाएंगे तब फिर मैं वहाँ सफाई करने जाऊँगी। और ये है मेरी बेटी जिनको खाना खिलाने में बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। मतलब उसके सामने ना जो गाओ कुछ करके उसे खिलाओ, नहीं तो ये ऐसे भागती रहेगी, खाएगी नहीं, अपनी मर्जी की मालिक है। तो मुझसे बस डांस कराती रहती है, गाना गवाती रहती है, उसके बाद भी खाती है, नहीं तो फिर उसके मर्जी का होता है नखरे। आजकल के बच्चे नहीं, मेरी ही बच्ची ऐसी है मुझे लगता है, लोगों को देख करके। बाकी दूसरे घर के बच्चे आराम से खा लेते हैं अपनी मम्मी से, मुझे और मेरी बच्ची जो है मुझे अपने पीछे पकाते रहती है। तो इस तरह से जो है आज का हमारा कुछ दिन निकला, मॉर्निंग का नाश्ता निकला। क्या है ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं जो हूँ इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। और मैं फिर मिलूँगी एक अच्छे नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे जो है श्रव्या पापा के साथ खेल रही है। तो चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हमेशा खुश रहो।